स्टूडेंट पीएसटीसी फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो आपका सिक्स पेपर है, जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, और आपकी जो यूनिट चल रही है वो सेकंड यूनिट है, और उसका नाम है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपकी जो यूनिट है उसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें हम जो आपका पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, और ये आपका पार्ट थ्री है। तो वन पार्ट जो सा था, फर्स्ट पार्ट में आपने कौन सा पढ़ा था? डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव पैसेज पढ़ा था। पार्ट टू में जो आपने पढ़ा था वो था आपका नैरेटिव, नैरेटिव पैसेज। और पार्ट थ्री जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है एक्सपोजिटरी पैसेज। ठीक है, अब जो एक्सपोजिटरी जो आपका पैसेज है, इसका मतलब होता है पैसेज जो रिलेटेड होता है आपका एग्जीबिशन से या डिस्प्ले से, जो आपका रिलेट करता हो एग्जीबिशन से या फिर डिस्प्ले से, यानी जिन चीज़ों को हम डिस्प्ले कर सके या उसको प्रदर्शित कर सके वो हमारा एक्सपोजिटरी पैसेज कहलाता है। तो इसका जो है, इसके जो मतलब इसको आपको जानना है कि इसका जो मीनिंग है वो इतना ही है कि जिन चीज़ों को वी कैन रिलेट एक्सपोजिटरी पैसेज, सॉरी पैसेज फ्रॉम एग्जीबिशन और डिस्प्ले, व्हेन थिंग्स आर एग्जीबिटेड और डिस्प्ले इट्स कॉल्ड एक्सपोजिटरी पैसेज। तो जब ये चीज़ें होती है तब उसको एक्सपोजिटरी पैसेज कहते हैं, जिसके अंदर एक्सप्रेशन है डिस्प्ले, यानी कि प्रदर्शित जिन चीज़ों को किया जा रहा है, प्रदर्शित अपनी राइटिंग के माध्यम से किया जा रहा है उसको हम कहते हैं। ऐसी चीज़ें जिनको हम पढ़ रहे हैं तो हमें वो चीज़ें प्रदर्शित होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जो है इसके जो स्पेसिफिक एम्स है वो है आपका टू मेक पीपल्स क्यूरियस। पहला इसका एम है टू मेक पीपल्स क्यूरियस। ठीक है, उनको क्यूरियस करने के लिए उत्सुकता जगाना। जब हम कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं और वो एक्सपोजिटरी पैसेज है, तो एक्सपोजिटरी पैसेज जो होता है जब हम कुछ चीज़ें पढ़ते तो हमारे सामने सारी चीज़ें प्रदर्शित होने लग जाती है। आपने अगर कोई स्टोरी पढ़ी हो तो स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे सामने सारी चीज़ें अपने मन के अंदर काल्पनिक रूप से बनने लग जाती है। तो उससे क्या होता है, विद्यार्थियों में क्यूरियसनेस जगती है। ठीक है, दूसरा जो है इसका स्पेसिफिक एम वो है हमारा टू अनेबल स्टूडेंट्स टू अरेंज आइडियाज इन अ सिस्टमेटिक वे, टू अरेंज आइडियाज इन अ सिस्टमेटिक, यानी सिस्टमेटिक तरीके से जो भी आइडियाज उसके अंदर आ रहे हैं उनको अरेंज करना है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो आपका टू मेक पीपल्स फैमिलियर विद द स्टाइलिश राइटिंग, मेक फैमिलियर विद द स्टाइल ऑफ राइटर्स, राइटिंग राइटर की जो राइटिंग होती है उससे फैमिलियर कराना, फैमिलियर इसका मुख्य उद्देश्य ही ये होता है। तो इसका जो मेन जो है इसका जो अर्थ है वो आपको पता चल गया कि जिस चीज को एग्जीबिटेड किया जाता है या डिस्प्ले किया जाता है जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उस टेक्स्ट को पढ़ते वक्त जो हमारे मन में जो हमारी कल्पना के अंदर जो इमेजिनेशन, हमारी जो इमेजिनेशन होती है, हमने कई बार पढ़ा होगा कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते उसके अंदर जो पात्र होते हैं, पात्र वहाँ पर दिए नहीं गए होते कि इस तरह से दिखता है, उस तरह से उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि उसके घुंघराले बाल है, वो दिखने में छोटा सा है, उसकी पतलून ऐसी। आपने अगर एक इंग्लिश लिटरेचर की पोएम पढ़ी हो, सेवन एजेस पढ़िए, जिसके अंदर इन्फेंट्री से लेके उसकी लास्ट जो उसकी जो बुढ़ापे की एज आ जाती है, ओल्ड एज जो हो जाती है, वहाँ तक को उसने डिपिक्ट किया है। तो मतलब उसके अंदर वो जब बताते हैं कि वो जब ओल्ड हो जाता है या जब सबसे पहले जो उसकी इन्फेंट्री एज है तो वो एक नर्स के हाथ में है, तो हम उसको इमेजिनेशन करने लग जाते हैं कि हाँ कि अगर वो छोटा सा उसकी इन्फेंट एज है और जब वो पैदा होता है तो छोटा सा होता है, इन्फेंट्री उसकी एज होती है और वो नर्स के हाथ में होता है, वॉमिटिंग कर रहा होता है,
तो हम उस चीज़ को इमेज करने लग जाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि नर्स के हाथ में, बाकी हमने देखा नहीं कि वो कैसा है क्या है। एक ही हमारे इमेजिनेशन पावर होता है जिसके अंदर हमारे सामने चीज़ें थिंग्स डिस्प्ले होने लग जाती है। फिर लास्ट उसके जो ओल्ड एज आती है तो हम देखते हैं ओल्ड एज में उसके बताए उसके पैचेस बन जाते हैं, यानी कि उसकी स्किन लटकने लग जाती है, उसने ढीली सी पतलून पहन रखी है। तो हमारे मन में कहीं हमारे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं एक इमेज बन जाती है एक बूढ़े बाबा की, कि मतलब वो बूढ़ा होगा तो कैसा दिखेगा, यानी मतलब एक तरह की एक इमेज हमारे सामने बन जाती है डिस्प्ले होने लग जाती है। तो वही हमारा एग्जीबिशन या डिस्प्ले एक्सपोजिटरी पैसेज कहलाता है। इसके अलावा जो है जैसे कि इसके एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि लैंग्वेज में हम देखते हैं हम या इंग्लिश टीवी प्रोग्राम्स या रीडिंग करते हैं, इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, राइटिंग्स पढ़ते हैं, वर्ड फ्रॉम द इंग्लिश डिक्शनरी निकालते हैं, या रीडिंग इंग्लिश नॉवल्स पढ़ते हैं, नॉवल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो भी पात्र होते हैं वो हमारे सामने इस तरह से डिस्प्ले होने लग जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, यदि आपको इसमें समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।